दोस्तों अगर आपका अकाउंट एयरटेल पेमेंट में हो तो आप अपना मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते आप चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं विजिट नहीं करना होगा, आप घर बैठे अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। हम अपना मोबाइल नंबर ऑनलाइन चेंज कर लिए, तो अपना मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए आपको एयरटेल पेमेंट बैंक के कस्टमर केयर में कॉल करना होगा। अगर आप अपना अकाउंट ओपन किए होंगे जियो नंबर के साथ, आपको कॉल करना होगा इस नंबर पे जो कि अभी आपको डिस्प्ले पे मिल रहा होगा। अगर आप अपना अकाउंट ओपन किए होंगे एयरटेल नंबर के साथ, आपको 400 आपको कॉल करना होगा, ये कस्टमर केयर का नंबर है, वहाँ आप कॉल करके अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। जब आप कॉल करते हैं उसके बाद आपको बोलना होगा कि सर हम अपना मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं। जब हम एयरटेल बैंक के कस्टमर केयर में कॉल की तो उसका हम रिकॉर्डिंग भी कर लिए, चलिए आपको सुनाते हैं तो कैसे कस्टमर केयर में कॉल लगाए, कैसे बात किए, क्या क्या बोले, जहाँ से मेरा मोबाइल नंबर सक्सेसफुल चेंज हो चुका है। अगर आपका भी अकाउंट एयरटेल बैंक में और आप अपना मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं विजिट नहीं करना, आप घर बैठे ही अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। तो कैसे बात कीजिएगा, कैसे अपना मोबाइल नंबर चेंज कीजिएगा, चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। डियर कस्टमर, वेलकम टू एयरटेल पेमेंट्स बैंक। फॉर योर कन्वीनियंस Please note that this helpline is dedicated to address all your Airtel Payments Bank related queries. We request you to call 1-to-1 for all Airtel mobile, DTH, broadband related concerns. Press 1 to continue with Airtel Payments Bank. Press 2 to exit. For English, press 1. Hindi ke liye, 2 dabaye. कृपया अपना एम पिन एंटर करें। अभी आपके एयरटेल अकाउंट में बैलेंस है 223 रुपए और 29 पैसे। प्रिय ग्राहक, अपने अकाउंट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जैसे एम पिन, ओटीपी या कार्ड नंबर का विवरण एयरटेल पेमेंट्स बैंक के अधिकारियों या अन्य किसी भी व्यक्ति को न बताएं। अन्य एयरटेल पेमेंट्स बैंक कस्टमर को पैसे भेजने के लिए 1 दबाएं। अंतिम 5 लेन देन के लिए 2 दबाएं। फास्टैग क्वेरीज के लिए 3 दबाएं। अपना एम पिन बदलने के लिए 4 दबाएं। सेफ पे के बारे में जानने के लिए 5 दबाएं। किसी भी तरह के फ्रॉड को रिपोर्ट करने के लिए 6 दबाएं। किसी भी समस्या को दर्ज करने के लिए या हमारे फोन बैंकिंग अधिकारी से बात करने के लिए 9 दबाएं। दोहराने के लिए कृपया लाइन पर बने रहें। हम आपकी कॉल फोन बैंकिंग अधिकारी को कनेक्ट कर रहे हैं। ये कॉल आंतरिक गुणवत्ता और प्रशिक्षण के लिए रिकॉर्ड किया जा सकता है। नमस्कार जी। नमस्कार मैम। मैम आपकी आवाज स्लो आ रही है। जी मैं सुन पा रही हूँ, बोलिए, आवाज आ रही मेरी आपको? हाँ जी, इस बार क्लियर आ रही है। मैम बोल रहे थे कि ये मेरा ना एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट है, तो अपना मोबाइल नंबर चेंज करना चाह रहे, तो कैसे हो पाएगा मैम? आपको नंबर चेंज करना है मोबाइल नंबर? हाँ जी, हाँ जी, लाइन चेक कर लेते। जी सुन पा रहे हैं? हाँ जी सुन रहे, बोलिए ना। बताना चाहेंगे सर, हमारा जो बैंकिंग सिस्टम जो है ना सर, वो भी अपडेट पे चल रहा है, तो डिटेल्स जो है यहाँ पे मैं चेक करी आपको नहीं बता पाऊंगी, माफी चाहती हूँ उसके लिए। रिक्वेस्ट करके कुछ समय बाद कॉल की सर, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। मैम ये ना आज आगे 3 दिन लगातार यही चीज से बता रहा है, तो आपको जो लंबे से वेट करना पड़ा उसमें माफी चाहते हैं। बट हमारा बैंकिंग सिस्टम जो है ना सर, वो भी अपडेट पे चल रहा है, डिटेल्स जो है यहाँ से मैं आपको चेक करके नहीं बता पाऊंगी, माफी चाहते हैं। तो कहाँ कॉल? हाँ तो क्या चेंज कैसे प्रोसेस बता दीजिए, हम निरेश चेक करवा लेंगे, हो जाएगा? यहाँ पे कॉल करना रहेगा सर, ठीक है? अभी सिस्टम जो है अपडेट पे नहीं चल रहा, ठीक है? अपडेट पे चल रहा है, सॉरी। तो आपको पता, सुनिए ना, तो आपको पता नहीं है क्या? बिना डिटेल चेक करे कोई भी जानकारी आपको नहीं बता पाएंगे, आपको कंप्लेन जो दर्ज कराना पड़ेगा, सिस्टम अपडेट पे चल रहा है तो कंप्लेन दर्ज नहीं करा पाऊंगी, माफी चाहते हैं। तो कंप्लेन कहाँ करें? आपसे हम जानकारी ले रहे हैं कि मतलब कैसे करेंगे, मतलब निरेस्ट के ब्रांच में जाना पड़ेगा या फिर किसी डिस्ट्रीब्यूटर से मिलना पड़ेगा, वो पूछ रहे हैं आपसे। वही बता रही हूँ मैं, यहाँ पे ही कॉल करना पड़ेगा, यहाँ पर कंप्लेन दर्ज कराया जाएगा आपको, ये बोल रही हूँ। कंप्लेन हमको, मेरे साथ कोई समस्या है ये, तो कंप्लेन कल करवाएंगे हम आपके। नंबर चेंज करना है सर, इसलिए चेंज करने के लिए कुछ प्रोसेस रहता है, उसके लिए कंप्लेन दर्ज कराना। हाँ, तो वही तो प्रोसेस, आप प्रोसेस हमको बताइए ना, हम करवा लेंगे। यहाँ पे आपको कंप्लेन दर्ज कराया जाएगा, ये बोल रही हूँ मैं। तो वहाँ कंप्लेन, फिर से आप वही बात कह रहे हैं, हमको केवल प्रोसेस जानना है कैसे होगा।
कोई कंप्लेन नहीं करना उनको। हेलो हेलो बताना चाहेंगे सर। हाँ बताइए। अब नंबर चेंज करनी है सर आपको, नंबर चेंज कर देना, उसमें कंप्लेन दर्ज कराया जाता है ठीक है, उसके बाद कुछ कुछ दिन वेट करना पड़ता है, उसके बाद ही आपको नंबर चेंज, ऐसे इंस्टेंटली चेंज नहीं होता सर ठीक है, वही तो दर्ज कराना पड़ते है। यही चीज तो आप पहले बोल देते ना कि कुछ समय के बाद होता है, आई मीन वही बता रही हूँ मैं, कंप्लेन दर्ज करानी पड़ती है, उसके बाद चेंज होता है करके ठीक है। आपको यहाँ पे कॉल करना रहेगा, यहाँ पे कंप्लेन दर्ज करवाएंगे कस्टमर केयर में, यहाँ पे दोबारा से कॉल कीजिए, अभी सिस्टम अपडेट पर कंप्लेन दर्ज नहीं करा पाऊंगी ठीक है। अच्छा, अभी मतलब कॉल कीजिए, मतलब दोबारा कॉल करके तो कंप्लेन यहीं का, आई मीन यहीं से मोबाइल नंबर चेंज होगा जी, यहाँ से चेंज होगा आपका नंबर ठीक है। तो ऑनलाइन हमको कहीं जाना नहीं पड़ेगा ना। हेलो जी सर, हमको कहीं जाना नहीं पड़ेगा ना, मतलब दोबारा जब कॉल करेंगे यहाँ पे तो मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा जी सर, हो जाएगा सर कन्फर्म, कॉल कर लीजिएगा पूरी सहायता। कन्फर्म हो जाएगा चेंज ना जी सर, नहीं तो क्या ही बार ना कहता है कि आप मेल कीजिए वो कीजिए ऐसा वैसा, तो मेल वगैरह नहीं करना पड़ेगा हमको जी। नहीं सर, यहाँ पे कॉल कीजिए, कोई कंप्लेन दर्ज कराया जाएगा, उसके बाद आप कुछ आप नंबर चेंज कर सकते हैं। हाँ, मतलब बाद में कॉल करेंगे आप कंप्लेन दर्ज कीजिएगा, उसके बाद दो तीन दिन के बाद मतलब चेंज हो जाएगा जी। हाँ जी, तो यही चीज़ तो आप पहले बता देते ना, वही चीज़ आपको बता रही सर, कंप्लेन दर्ज करानी पड़ेगी, उसके बाद नंबर चेंज होगा सर ठीक है। हाँ जी, चलिए ये एक चीज़ और बता दीजिए, तब तो हमको मतलब निवेश के जो मर्चेंट पॉइंट है, डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है, वहाँ हमको नहीं जाना पड़ेगा अपना नंबर चेंज करवाने के लिए, यहाँ दोबारा कॉल करेंगे तो आप कंप्लेन दर्ज कीजिएगा और मेरा मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा जी सर, हो जाएगा। चलिए, तो उसके लिए कोई चार्ज वगैरह भी कटेगा, मतलब कि जैसे होता है कि 10-20 रुपया कट जाता है जी? नहीं सर, कोई भी चार्ज डेबिट नहीं होता। अच्छा, तो कोई चार्ज नहीं डेबिट होगा, आप बस कंप्लेन करेंगे और नंबर चेंज हो जाएगा। ये मैक्सिमम एक सप्ताह लग सकता है चेंज होने में जी सर? लग सकता है जी, आप कंफर्म हो जाएगा ना जी? हो जाएगा। चलिए, तो कितने देर के बाद आपको कॉल कर ले फिर दोबारा? आधे घंटे बाद कॉल कीजिए, तो पूरी सहायता की जाएगी। चलिए, आधे घंटे बाद आपको करते हैं कॉल। कृपया लाइन पर बने रहे, हम आपकी कॉल फोन बैंकिंग अधिकारी को कनेक्ट कर रहे हैं। ये कॉल आंतरिक गुणवत्ता और प्रशिक्षण के लिए रिकॉर्ड किया जा सकता है। आपका कॉल वेट टाइम 2 मिनट है। आपकी कॉल हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कृपया प्रतीक्षा करें जब तक हम आपकी कॉल को हमारे कस्टमर केयर स्पेशलिस्ट से कनेक्ट करते हैं। जी सर, नमस्कार सर। सर ना, अभी हम एयरटेल पेमेंट बैंक में कॉल किए थे अपना मोबाइल नंबर चेंज करवाने के लिए, तो आधे घंटे एक घंटा पहले तो बोला गया था कि सर ना आप आधे घंटे के बाद कॉल कीजिएगा ना, क्योंकि कुछ सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो एक घंटे के बाद हम कॉल किए तो नंबर बात चेंज करवाना, तो कैसे कराएंगे सर? लाइन बुला के कंप्लेन कर लीजिएगा सर, बता देते हैं, लाइन पर बने रहेगा जी जी, जानकारी चेक करके बता देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, रखिए ना, प्रतीक्षा करने के लिए धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी, लाइन पर बने रहिए, जानकारी चेक कर रहे हैं, प्रतीक्षा करने के लिए धन्यवाद जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। अब अपना पुराना और नया मोबाइल नंबर बता दीजिए। लिखिए, नया नंबर लिखिए तो बता दीजिए। ऐसे एक चीज और सर, ये कब तक चेंज हो जाएगा, मतलब आज इसे बताएंगे कंप्लेन दर्ज करेंगे तो कब तक हो जाएगा सर? ये सर सेवन वर्किंग डेज में हो जाएगा। अच्छा, सेवन वर्किंग डेज में हो जाएगा। सेवन वर्किंग डेज में है, दूसरा चौथा शनिवार, सारे रविवार, सारी बैंक की छुट्टियां जी गिनी नहीं जाती है सर। ओके ओके, बता दीजिए आपका नया नंबर। लिखिए 89। एक चीज और बहुत पूछना था सर, बता ये अकाउंट का में जो बैलेंस रहेगा वो बैलेंस मतलब रहेगा ना, क्योंकि अकाउंट नंबर तो यही रह जाता है। अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा जैसे कि किसी सर्विस में यूपीआई तो पीआई बनाने में, फोन पे गूगल पे चलाने में? नहीं सर, वो नए नंबर से चल जाएगा। अच्छा, एटीएम कार्ड वगैरह जो मिला मतलब हम लिए हुए वो सब एक्टिव रहेगा, वो चलेगा?
ओके मतलब कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह भी कटेगा? चलिए तो अच्छा कंप्लेन लीजिएगा तो कुछ हमको वो रिफ्रेंस नंबर वगैरह मिलेगा ना उधर से? जी आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर पर जो है जी रिक्वेस्ट नंबर मिल जाएगा। अच्छा अगर मान लीजिए कि 7 दिन के अंदर में चेंज नहीं हुआ फिर सर अपडेट मिल जाएगा सर आपको? हाँ तो वो जो रिफ्रेंस नंबर है मतलब वो रिफ्रेंस नंबर एक प्रूफ के तौर पर रहेगा? रेफरेंस नंबर जो आपको मोबाइल नंबर पर रजिस्टर जो अभी रजिस्टर है ना मोबाइल नंबर उसके मिल जाएगा सर। हाँ जी ऑनलाइन पर बने रहेगा प्रोसेस कर रहे हैं सर। नहीं सुनिए सर रहने दीजिए सर हम बाद में आपको बताएंगे क्या ये प्रॉब्लम है ना हम बाद में कॉल कर लेंगे सर ठीक है जी। नो सर थैंक सर सर चैन के लिए रिक्वेस्ट नहीं लिया है ना? नहीं लिया सर। हाँ चलिए अभी लेना होगा तो मीन जब करवाना होगा तो हम दोबारा से आपको कॉल कर लेंगे सर। चलिए थैंक यू सर। चलिए थैंक यू सर। भाई हमें अपना मोबाइल नंबर चेंज नहीं करना है मेरा ऑलरेडी सब कुछ सही से केवल हम जानकारी के लिए उधर कॉल किया आपको करवाना हो तो आप करवा लीजिएगा नो डाउट आपका हो जाएगा। ये एक अपडेट है ये सिस्टम पहले नहीं था कि आप मोबाइल नंबर चेंज करवा सकते थे आपको लाइव प्रूफ हम दिखा देंगे आप अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं अर्थात करवा सकते हैं कस्टमर केयर में कॉल करके कॉल कैसे कीजिएगा हम आपको सब कुछ बता दिए हैं।